लोकसभा चुनाव का शोर जोरों पर है और इन चुनाव में मध्य प्रदेश से जो केंद्रीय मंत्री किस्मत आजमा रहे हैं उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट से कैंडिडेट हैं और गुना सीट अब एक हाई प्रोफाइल सीट है और इस सीट में जो है इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी सीट से अपना चुनाव हार गए थे। और उससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस बीजेपी कैंडिडेट केपी यादव ने हराया था, और केपी यादव की अगर हम बात करें तो राजनीतिक हैसियत या राजनीतिक कद की हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और केपी यादव दोनों में काफ़ी अंतर है। उसके बाद भी 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सीट से चुनाव हारे थे। अब कांग्रेस ने इस सीट से राव यादवेंद्र सिंह यादव को टिकट दिया है, तो बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है तो कांग्रेस की तरफ से राव यादवेंद्र सिंह यादव। लेकिन 2019 में इस सीट में एक ऐसा जातिगत समीकरण था जो निकल कर सामने आया था। ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार का कारण वही समीकरण बना था, और वो समीकरण था यादव वोटों का समीकरण, क्योंकि इस सीट पर अशोकनगर, गुना और मुंगावली में सबसे ज़्यादा यादव वोट हैं। और अगर कांग्रेस की बात करें, पिछली बार 2019 में बीजेपी ने यहाँ से यादव कैंडिडेट को मैदान में उतारा था तो वो सारे वोट लगभग जो है बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में गए। और उसके बाद अगर बात करें कि अशोकनगर, गुना और मुंगावली में, तो इस बीच भी चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से खड़े हैं, लेकिन जो 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 एक चीज़ है वो ये है कि कांग्रेस ने यादव कैंडिडेट दिया। तो अब कांग्रेस के यादव कैंडिडेट देने से डिपेंड करता है कि यादव वोट क्या बीजेपी के साथ रहेगा या फिर वो एक तरफा कांग्रेस के साथ जाएगा। तो ये इस सीट पर जो है यादव वोटों का गणित सबसे बड़ा है। अभी तक तो जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ के लिए जो है उनके बेटे महाहरिमन सिंधिया भी प्रचार कर रहे हैं, उनकी पत्नी प्रियदर्शनी सिंधिया भी लगातार प्रचार कर रही हैं, और नामांकन के समय ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे लाओ लश्कर के साथ, पूरी 2000 गाड़ियों के साथ अपना नामांकन भरने पहुंचे थे। तो उससे उनकी ताकत, उनकी राजनीतिक कद सभी का एहसास उसी से होता है। लेकिन उसके बाद भी जो अंदर खाने की खबरें हैं वो ये हैं कि जो यादव वोट हैं वो कहीं ना कहीं टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो हार जीत के इक्वेशंस को बिगाड़ भी सकते हैं। चूँकि 2019 के नतीजे बीजेपी के सामने भी हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने तो व्यक्तिगत तौर पर है, यही वजह है कि वो पूरा के पूरे समर्थकों के साथ प्रचार तो लगातार चल रहा है, उनकी पत्नी भी प्रचार कर रही है, उनके बेटे महारिमन भी प्रचार कर रहे हैं, और खासकर जो है इन वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस ने यहां से जो है राव यादवेंद्र सिंह यादव को मैदान में उतारा है, और राव यादवेंद्र सिंह यादव वो कैंडिडेट हैं जिनके पिता कभी बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया से चुनाव लड़ चुके हैं। तो लगभग इन परिवारों के बीच में लंबे समय से मतलब कहा जा सकता है कि चुनाव में परिवार के सदस्य आमने सामने रहे हैं, कभी बीजेपी से तो कभी कांग्रेस से। और जो है राव यादवेंद्र सिंह यादव जो है इनके परिवार के सदस्य जो है इनके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया के सामने भी मैदान में थे। तो इसमें कोई शक नहीं कि अगर 2019 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो लगातार जो है इस सीट पर सिंधिया परिवार को जीत मिली है। लेकिन 2019 के चुनाव में यादव वोट का जो गणित सामने आया है वो इस वक्त बीजेपी को भी और सिंधिया को भी कहा जा सकता है कि वो गणित जो है डरा भी रहा है और सता भी रहा है। यही वजह है कि इस सीट पर भी इस वक्त फाइट देखने को मिल रही है।